समाज सेवा के नाम पर आम जनता से ठगी करने वाले अनूप कुमार पांडे के खिलाफ लगभग 150 महिलाओं ने 400 बीसी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें कि लगभग 50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आ चुका है। और भी मामलों के खुलासे जारी हैं। यह रकम 1 करोड़ तक जाने की आशंका है। दिलचस्प बात यह है कि उक्त ठगी का आरोपी विधायक एवं सांसद का चुनाव भी लड़ चुका है। दुर्ग CSP ने मीडिया से बात करते हुए यह जानकारी दी। सर बताएंगे जो लोकसभा प्रत्याशी किसी को पकड़ा है ठगी का आरोपी, क्या है पूरा मामला बताइए। एक मामला प्रकाश में आया था कुछ दिन पहले, जिसमें लोकसभा चुनाव के जो निर्दलीय प्रत्याशी थे अनूप कुमार पांडे, उनके द्वारा कुछ लोगों से धोखाधड़ी करके एक स्कीम के तहत कि अगर आप 1 लाख रुपए देंगे तो 1 महीने बाद 1,10,000 रुपये वापस मिलेगा, ऐसी एक अन्य स्कीम जिसमें 1,200 रुपये अगर आप जमा करेंगे तो 3 महीने तक लगातार 1,200-1,200 करके 3600 रुपये आपको वापस किया जाएगा। ऐसा करके उसने अनेकों, ज़्यादातर जिसमें महिलाएं थीं, उनसे उसने ठगी की और ठगी करके लगभग 50 लाख से ऊपर, अभी तो प्रारंभिक जांच में हमें 50 लाख के ऊपर ठगी की का मामला हमारे प्रकाश में आया है। और साथ ही धीरे धीरे अन्य लोग भी आ रहे हैं, तो लगता है कि लगभग करोड़ रुपये के आसपास का इसमें घोटाला है, फर्जीवाड़ा उस अनूप कुमार पांडे के द्वारा किया गया है। और उसके साथ ही इसका एक अन्य साथी सौरभ अग्रवाल, जो दोनों मिलकर एक सर्व समर्पण विकास सेवा समिति के नाम से आर्यनगर पद्मनाभपुर में इन्होंने एक ऑफिस खोला था, जिसके माध्यम से ये कार्य इनके द्वारा किया जा रहा था। तो इन दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 420 एवं 34 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसे कल गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। सर ये कितने वक्त से ये यहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे इस गैंग? ये लगभग 1 साल से, तो अभी 1 साल से ही ऐसा प्रकाश में है मामला कि 1 साल से ऐसा ले रहे थे, ऐसे लोगों को झूठ बोलकर और उनको भ्रमित कर। सर ये कितने लोग हैं इसमें प्रार्थी, कितने लोगों को इसने शिकार बनाया है? इसकी संख्या अभी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, लेकिन प्रारंभिक जो जांच में हमारे पास आया है उसमें कम से कम 100 से 150 लोग के आसपास ऐसे लोग हैं जिन्हें हम अभी कलेक्ट भी कर रहे हैं, जिनसे इसने धोखाधड़ी की है। सर ये भी देखने में आया था कि ऑफिस में तलाशी के दौरान काफ़ी सारे दस्तावेज मिले हैं शहर की जानकारियों को लेकर, वो किस प्रकार के थे? इसने काम ये किया था कि पहले तो कुछ महिलाओं को इसने नौकरी यानी प्रतिदिन 200 रुपये के हिसाब से रखा था, और पूरे क्षेत्र का सर्वे कराने के लिए कि उसमें हर घर जाकर ये महिलाएं सर्वे करती थी और प्रतिदिन 200 रुपये उनको दिया जाता था। ये सर्वे एक डाटाबेस वो बना रहा था, जैसा उसे पूछताछ में बात पता चली, और उसका कहना ये था कि मैं समाज की सेवा के लिए ऐसा करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो हमारी जाँच हुई और जाँच में हमने तथ्य देखे कि वो इसका मूल मकसद जो था लोगों से धोखाधड़ी करना था, ताकि वो किससे किस तरीके से पैसा प्राप्त करे और उन पैसों को रोलिंग करके इधर उधर करके वो अपना अय्याशी का जीवन जीने के लिए इस तरीके का कृत्य उसने जारी रखा। अभी जो जिस आधार पर हमने FIR दर्ज किया है उसमें लगभग 50 लाख, जो विभिन्न लोगों से इसने अलग अलग, किसी से 50,000, किसी से 1 लाख, किसी से 1.5 लाख, इस तरीके से राशि इसने एकत्रित की थी, तो लगभग 50 लाख रुपए जो है अभी वर्तमान में मामला जो है 50 लाख।